हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर सहेलिया। मैं निपा मिस्त्री आज बनाने जा रही हूँ कच्चे आम की कैंडी। मैंने ये 8 मैंगो ली है, करीबन 2 किलो है, तो अब मैं उसके पीसीस कर दूँगी। ये आम काट लिया है हमने और अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। तो जितनी आम है उतनी ही शक्कर हमने ली है, तो अब हम इसे डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से हमने ये मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे 3 से 4 दिन तक ऐसे रखना है ताकि शुगर जो है वो सब आम में अच्छी तरह से मिल जाए। 4 से 5 दिन हमने इसे शुगर में रखा है और अब शुगर पूरी तरह से गल चुकी है, तो अब हम इसे छलनी में से ड्रेन कर लेंगे। इस तरह की हमें छलनी लेनी है और ड्रेन कर लेना है। देखिए, ये शुगर सिरप अलग हो गई है और ये हमने जो रखे थे आम के पीसेस वो भी अलग हो गए हैं। तो उसको थोड़ी देर ऐसे रखेंगे तो थोड़ा बहुत भी जो है शुगर सिरप उसमें तो वो निकल जाएगा और फिर हम इसे एक बड़ी थाली लेके उसमें सुखा देंगे और उसको धूप में रखेंगे। 3 से 4 दिन तक हमें इसे धूप में रखना है। ये पूरी तरह से अब चाशनी निकल गई है, तो अब हम इसे एक बड़ी ऐसे थाली लेके उसमें ये स्प्रे कर देंगे, बिछा देंगे उसके ऊपर और धूप में दिखा देंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर बिछा दिया है और ये जो शुगर सिरप बची है तो उसे हम आम का शरबत बनाएंगे या फिर लेमन का शरबत भी बनाएंगे तो भी उसमें यूज़ कर लेंगे। इसको अब हम धूप में रख, ये देखिए हमने जो स्लाइस रखी थी चाशनी में और फिर उसे हमने धूप में रखा था, तो अब 3 से 4 दिन बाद ये इस तरह से ड्राई हो गई है और खाने के लिए रेडी हो गई है। तो अब हमें इसमें थोड़ी सी शक्कर डालनी है। इसमें हम 3 से 4 चम्मच जितनी शक्कर डालेंगे। पाउडर शुगर ली है हमने और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक एयर टाइट कंटेनर में हमें इसे रख देना है। मैंने ये उपवास में खाने के लिए बनाई है, तो मैंने इसमें नमक नहीं डाला है और कुछ भी ऐसे मसाले नहीं डाले हैं जिससे उपवास में ना खाया जाए, इसलिए मैंने ये सिर्फ खट्टी मीठी ही बनाई है। अगर आप चाहें तो इसमें चाट मसाला, फिर ब्लैक सॉल्ट, ये सब आप डाल सकते हैं। ये हमारी हो गई है रेडी। अब हम इसे एयरटाइट कंटेनर में रख देंगे। आम की कैंडी को हमने एयरटाइट कंटेनर में रख दिया है और हम जब भी चाहे उसे खा सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, प्लीज़ बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। Thank you for watching.